दूसरे बड़ा सवाल ये है कि रघुवंश बाबू पिछले कई महीनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं और चुनाव के बीच कौन नाराज चल रहा, कौन नहीं नाराज चल रहा, वो सिचुएशन हमारे लिए नहीं है। हमारा सिचुएशन है कि हमारा बिहार क्या है, हमारा बिहार किस सिचुएशन से गुजर रहा है, हमारा ये मेन मकसद है। पार्टी है, पार्टी समुंदर होता है, एक लोटा जल निकाल करके बाहर कर देगा तो पानी खत्म नहीं होता है। इसीलिए पार्टी में लोग है, संगठन में नाराज चलते हैं, लेकिन सब मान भी जाते हैं, तो ये एक तरीके का परिवार है, परिवार में नाराजगी चलते रहती है, इस पर कोई मायने नहीं है। मायने है हमारा कि बिहार किस स्थिति में है और नीतीश कुमार जी आखिर क्यों सोए हुए हैं, आखिर क्यों नहीं उनकी नींद टूटती है, क्यों नहीं जनता को देखने के लिए जाते हैं, जनता पूरे तरीके से बेहाल पड़ा हुआ है। ये हमारा मकसद है। रोज हम लोग तेजस्वी जी हैं, हम लोग हैं, लगातार हम लोग हमला करने का काम करते हैं। कल नीतीश कुमार ने पार्क का उद्घाटन किया, जू भी गए घूमने के लिए, एक तरफ कोरोना है, देखिए जू जा रहे हैं, वो जू जाए, राजगीर में जाए घूमने के लिए, कहाँ कहाँ उनका वही काम है, केवल घूमना फिरना उनका काम हो गया, मकसद उनका वही हो गया। बिहार के लोगों ने, करोड़ों लोगों ने चुन करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और उस व्यक्ति ने अपने पद को भी धूमिल करने का काम किया। जो जिम्मेवारी से भाग गया आदमी, वो बिहार का कोई विकास नहीं कर पाएगा, आजीवन कभी नहीं कर पाएगा। और ऐसे सिचुएशन में, जबकि बिहार में जो बाढ़ आया हुआ है, जो ग्रसित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को सुख में दुख में जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी जाकर के हाल चाल लेना चाहिए लोगों से, तो ये पार्क में जा रहे हैं, तब पार्क खोलवा रहे हैं। एक सवाल है कि बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को ट्विटर और फेसबुक छोड़ देना चाहिए। हम जो इस तरीके का जो आरोप लगाए हुए हैं, हम उन्हीं को बोलना चाहते हैं कि वही राजनीति छोड़ दें, वही राजनीति छोड़ दें, ताकि देश दुनिया का भला हो।